हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी हाल ही में ही 25 मार्च को चंद्र ग्रहण लगा था होली वाले दिन, और अब फिर से जो है सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण जो है फिर से लगने जा रहा है। अब ऐसे में गर्भवती महिलाओं को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि अभी जल्दी में ही गया था चंद्र ग्रहण, और अब इतनी जल्दी फिर से सूर्य ग्रहण जो है वो लगने जा रहा है। तो ऐसे में गर्भवती महिलाएँ बहुत ज़्यादा चिंतित है कि उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या नहीं सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि मैं आपको चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण से रिलेटेड सारी जानकारी देती रहती हूँ कि आपको क्या क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है, कौन सा टाइमिंग है, क्या टाइमिंग है, सूतक काल का टाइमिंग क्या है, सारा कुछ मैं बता देती हूँ। तो आज का वीडियो भी कुछ ऐसा ही है, आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी दूंगी, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, वीडियो पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी टिप्स से रिलेटेड और ग्रहण से रिलेटेड सारी जानकारी आपको पहले से मिल जाए। ठीक है, तो देखिए, जो 25 मार्च वाले दिन जो चंद्रग्रहण लगा था वो भारत में दिखाई नहीं दिया था, लेकिन फिर भी गर्भवती महिलाओं ने जो है बहुत सारी सावधानी बरती, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सूर्य एक है और चंद्रमा भी एक है, तो पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर थोड़ा बहुत असर पड़ता है, लेकिन हाँ, जहाँ देखा जाता है वहाँ बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, लेकिन जहाँ देखा नहीं जाता है ग्रहण, तो वहाँ थोड़ा बहुत असर पड़ता है। ठीक है, तो गर्भवती महिलाओं ने सारी सावधानी बरती। कई कॉमेंट में मुझे आए कि हमारे यहाँ मैम इस तरह से होता है, हमारे यहाँ इस तरह से मतलब ग्रहण पर काफ़ी ज़्यादा हार्ड जो होता है सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। तो मैं देखिए आपको बता दूँ कि जो है मेरे यहाँ नॉर्मल, जो मेरे भी 2 या 3 बच्चे हुए थे, तो मेरे घर पे नॉर्मली मेरी सासू माँ जो है बताती थी कि ऐसा ऐसा करना है चंद्र ग्रहण पे, क्योंकि मेरे हर बच्चे के टाइम पे भी मतलब चंद्र ग्रहण जो है सूर्य ग्रहण दोनों लगे थे। तो मुझे जैसे जैसे बताया गया मैंने भी वही किया, आप लोग के साथ भी मैं शेयर करूँगी कि आप लोग क्या कर सकते हैं सावधानी। तो देखिए, सावधानी की बात तो ऐसी है कि जो जब चंद्र ग्रहण लगता है ना, तो आपको क्या करना है, बस मेन, सबसे मेन होता है कि घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है। ठीक है, चंद्र ग्रहण की जो रोशनी है वो आप तक नहीं पड़नी चाहिए। पहले के ज़माने में क्या होता था कि टॉयलेट वगैरह बाहर होते थे तो बाहर करने जाना पड़ता था, तो बहुत ज़्यादा मना करते थे कि घर से बाहर नहीं निकलना है, ठीक है, टॉयलेट करने नहीं जाना है। लेकिन आज के ज़माने में क्या है, टॉयलेट वगैरह घर के अंदर है, तो आप आराम से टॉयलेट वगैरह जा सकते हैं, क्योंकि घर में ही अंदर बना होता है तो बाहर का कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि अपने रूम के खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए जब ग्रहण पड़ता है। इसके अलावा देखिए, आपको तुलसी के पत्ते पहले से तोड़ के रख लेना है, क्योंकि तुलसी का पत्ता क्या होता है, पहले से तोड़ के रख लेंगे तो आप हर अपने खाने पीने की चीज़ में, पानी में, दूध में, दही में, जो भी आप खाने पीने की चीज़ें हैं, खाना वगैरह आपने बनाया है वो बच गया तो उसमें भी डाल सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, खाना दूषित नहीं होता है। तो हमारे यहाँ भी ऐसे ही किया जाता है, तुलसी का पत्ता तोड़ के हर चीज़ में डाल दिया जाता है। देखिए, खा पी आप सकते हैं ग्रहण के दौरान, ऐसा नहीं है कि आप खा पी नहीं सकते। बहुत से लोग कहते हैं नहीं खा सकते हैं, तो देखिए, अगर वैसे तो नहीं खा, अगर आपको भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो आप खा लीजिए, लेकिन तुलसी का पत्ता पड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो ग्रहण है, अगर भारत में जैसे देखा नहीं जाता तो सूतक काल जो होता है उसको आप मतलब परहेज मत करिए, लेकिन ग्रहण जब पड़ता है, ग्रहण की टाइमिंग स्टार्ट होती है, तब उस वक्त आपको परहेज करना है। ठीक है, तो आप खा पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको जो है तुलसी का पत्ता पड़ा होना चाहिए, उससे क्या होगा कि खाना जो है वो दूषित नहीं होगा। इसके अलावा देखिए, आपको क्या करना है, अपने रूम में बैठ के आराम से आप पुस्तक पढ़ सकती हैं, मंत्र का जाप कर सकती हैं, पूजा पाठ नहीं किया जाता है ऐसे में। ठीक है, और अच्छे अच्छे जो बातें हैं वो मन में सोची जाती हैं, कोई भी गलत चीज़ अपने मन में नहीं लाई जाती है। इसके अलावा देखिए, आप जो है जब ग्रहण पड़ता है ना, तो उस वक्त आपको क्या करना है, जो एक कच्चा नारियल होता है ना, पानी वाला नारियल, जो वो आपको मंगा लेना है। उससे क्या होता है कि ग्रहण का असर जो है आपके बच्चे तक नहीं जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको नारियल मंगा लेना होता है। नारियल को क्या करना है, आपको अपने रूम में रख लेना है। इसके अलावा देखिए, गेरू आता है, तो गेरू लाल कलर का पाउडर की तरह होता है, तो वो गेरू को क्या करना है, आपको घोल के पानी से हल्का सा, और उसको आपको अपने पेट पर लेप की तरह लगा देना है। ठीक है, गोल गोल इतना आपको करना है। और धागा आता है टसर या फिर कलावे का धागा होता है, तो वो आप ले सकती हैं,
वो आपको क्या करना है, काट के अपनी लंबाई का अपने पास रख लेना है, अपने रूम में टांग लेना है। तो इससे क्या होता है, इन सारी चीज़ों से आपके बच्चे पे जो है दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। क्योंकि जब भी ग्रहण पड़ता है ना, ये खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से इसका बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपको गर्भवती महिलाओं को, सबसे ज़्यादा गर्भवती महिलाओं को जो है वो परहेज करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि गर्भवती महिलाएं का जो है इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है, और जो और लोग होते हैं बड़े, जो मतलब जो घर की फैमिली वाले हैं, बच्चे हैं बड़े हैं, तो उनको यह है इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो जो हैं सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं लेकिन नंगी आंखों से नहीं, चश्मा वगैरह लगा के, ठीक है। लेकिन गर्भवती महिलाओं को नहीं देखना होता है, क्योंकि उनके अंदर एक नन्ही सी जान पड़ रही होती है जिस पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। क्योंकि ग्रहण का क्या है, किसी पर अच्छा असर होता है, किसी पर बुरा असर होता है। तो गर्भवती महिलाओं को सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। मुझे कई कमेंट ऐसे भी आते हैं कि मैम क्या ये सावधानी हमारे हस्बैंड को भी रखनी है, हमारे घर के सभी मेंबर्स को रखनी है। तो देखिए, सबकी तो वैसे तो ग्रहण के दौरान सबको ही जो है सावधानी बरतनी होती है, लेकिन ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा सावधानी जो है वो गर्भवती महिला को बरतनी होती है। क्योंकि गर्भवती महिला जो है उनके अंदर नन्ही सी जान पल रही होती है, तो उसके लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, कि उसको कोई भी दिक्कत ना हो। क्या होता है कि हमारे यहाँ ऐसा हुआ था, हमारी एक रिश्तेदारी में ही थी जो, तो उनको बेबी होने वाला था, लेकिन उनने जो है सावधानी नहीं बरती थी, चॉपिंग कटिंग भी की थी और सोई भी थी। तो उन क्या हुआ था कि उनके बच्चे का ना कान एक तरफ से दबा हुआ था, पैदा हुआ तभी उसका कान जो है एक तरफ से दबा हुआ था। तो फिर होता है ना कि बच्चे पे इसका असर पूरा होता है, तो इसलिए आप कोशिश करिए कि आपके बच्चे पे कोई इसका असर ना हो, और आप सावधानी बरतेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, चाहे ग्रहण पड़े या ना पड़े, बस आपको ग्रहण के समय पे सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। तो ये जी जानकारी आप लोग तक मुझे पहुंचाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि काफ़ी गर्भवती महिलाएं हैं जो फर्स्ट बार प्रेग्नेंट हैं, जिनके घर में फैमिली में कोई नहीं होता है बताने वाला, तो उनके लिए खास तौर पे सारी डिटेल्स में जानकारी मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है तो ग्रहण से पहले आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कमेंट में, जिससे कि आपकी जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं कि जो ग्रहण है वो कब पड़ेगा, कहाँ कहाँ पड़ेगा, उसकी क्या टाइमिंग है, ठीक है। तो ग्रहण देखिए जो है उसकी टाइमिंग की बात कर लें तो 9:12 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 8 अप्रैल को, और उसी दिन रात में 2:22 पर समाप्त हो जाएगा ग्रहण। तो आपको क्या करना है, और ग्रहण का जो सूतक काल है जो है वो 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। लेकिन इसकी सूतक काल की बात करें तो ये ग्रहण जो है भारत में नहीं देखा जाएगा, तो इसका सूतक काल जो है वो भी मान्य नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सूतक काल में कोई भी परहेज वगैरह नहीं करना है, लेकिन हाँ इसकी जो टाइमिंग है 9:12 से, उस टाइम से आपको थोड़ा परहेज करना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, जो मैंने बताया चॉपिंग कटिंग का काम कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद आप पूरे घर में गंगा जल डालकर शुद्धिकरण कर लीजिए, हाथ मुँह धो लीजिए रात का अगर टाइम है, और उसके बाद आपको सुबह दान वगैरह कर सकते हैं। अगर आपकी श्रद्धा हो, उतना है आपके पास, तो आप दान पुण्य कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सावधानी जरूर बरतनी है आपको, चाहे ग्रहण दिखाई दे या ना दे, ठीक है, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर थोड़ा बहुत तो असर पड़ता ही है, तो आपको इतना ज़रूर करना है। कि आई होप कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा हैंडफुल रही होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो आगे भी वीडियो शेयर करिए, जिसको अगर ऐसी सावधानी, जिसको मतलब जो प्रेग्नेंट है उनको पूरी तरह से पूरे डिटेल्स में जानकारी हो जाए। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।